मानसून की विदाई के साथ साथ उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलने जा रहा है। दरअसल मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के चार जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तराखंड के चार जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर समेत देहरादून के विभिन्न स्थानों में हल्की भी मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में तेज धूप के साथ मौसम गर्म रहने की भी संभावना है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जून मंथ में तो शुरुआत हुई, लेट ही हुई थी मॉनसून एक्टिविटी की भी और रेनफॉल की भी, तो उस चीज़ को आप देखेंगे तो जून में कम थी बारिश। अगर उत्तराखंड की बात करें तो -49% वो रहा था, लेकिन जब आप जुलाई में जा रहे हैं तो उसमें भी हमारे को नॉर्मल रही, अगस्त में भी नॉर्मल रही, और सितंबर में हमारी जो बारिश की एक्टिविटी वो अच्छी रही और वो एक्सेस में रहा। अगर पूरे उसे उत्तराखंड के लिए बात करें, ठीक है, तो एक्सेस में सितंबर मंथ में हमको 55% जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है सितंबर का, उसकी 55% प्लस में वो मिली है, तो एक्सेस है उस मंथ में, सितंबर मंथ में। तो अगर पूरे सीजन की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि ओवरऑल हमारा 10% रहा है प्लस में, तो विद इन नॉर्मल है। तो अच्छी एक्टिविटी मैं कहूँगा कि मानसून की जब एक बार शुरुआत हो गई थी तो मंथ टू मंथ भी देखें तो अच्छी एक्टिविटी रही। इसके साथ जब आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं तो उसमें हमारे जो देहरादून, चमोली और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, इनमें ओवरऑल सीजन की अगर बारिश देखेंगे तो वो एक्सेस में रही मानसून सीजन की, और जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें नॉर्मल रही है। एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें कि पौड़ी है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में -39% है, तो वो डेफिशिएंट रहा, उसमें कम बारिश हुई है। तो एक ही डिस्ट्रिक्ट ऐसा रहा है कि अगर ओवरऑल सीजन की बारिश देखें तो उसमें वो कम रही है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में या तो नॉर्मल है या फिर या तो सामान्य से अधिक बारिश है, वो मिली है।